हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो हम आज देखेंगे कि अर्जेंट रीडिंग आपके लिए क्या है, अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या है, जो इस वक्त की सिचुएशन के लिए आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और नवंबर मंथ की रीडिंग अपलोड हो चुकी है, जाके देख सकते हो। हर हफ्ते फ्री रीडिंग अगर आपको लेनी है तो एक ही काम करना है, आपको चैनल के वीडियो पे कमेंट करना है। दिख जाता है कौन कमेंट करते हैं और टॉप कमेंटर दिख जाते हैं, मुझे चूज़ करने में आसानी होती है। अदरवाइज अगर आप सिर्फ रेगुलर व्यू करके जाते हो तो पता नहीं चलता है। तो आप कुछ ना कुछ कमेंट करते रहिए ताकि हर हफ्ते आप जो है एक फ्री रीडिंग पा सको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए इस वक्त क्या है। लाइफ में यूनिवर्स आपको क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहती है। तो सबसे पहले मैं आपकी राशि आपको बता देती हूँ। एंजल डिवाइन, जो आपकी राशि है हमें बता दीजिए प्लीज। ओके, ब्रेक थ्रू से गुजरना पड़ेगा आपको। मुझे सडनली ये वर्ड सुनाई दिया, कहीं तो ब्रेक थ्रू से आपको गुजरना पड़ेगा। आप अगर इस रीडिंग पे आए हो, यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है। मैं राशि बताने से पहले अगर कुछ मैसेज दे रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए रीडिंग नहीं है, है रीडिंग आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे आए हो। जो राशि मुझे अभी तक दिखा वो एरीज, सजिटेरियस, लियो दिखा है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस दिखा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीस एंड यहाँ पे वर्गो दिखाए मुझे। ओके okay? ठीक है, या आपकी सन साइन या फिर मून साइन कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, जैसे मुझे ब्रेक थ्रू सुनाई दिया, तो इसका मतलब भी हो सकता है कहीं पे आप बहुत फंस चुके हो, कहीं पे बहुत रह रहे हो, तो वहां से आपको कैसे भी करके निकलना है। और अगर आपको निकलना है उस सिचुएशन से, इस वक्त लाइफ से, तो आपको खुद पुश करना पड़ेगा, खुद आपको धक्का देना पड़ेगा उन सिचुएशन को। कोई और आके आपके लिए धक्का नहीं दे सकता है। यू हैव टू ब्रेक योर वॉल टू इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस और इन ऑर्डर टू गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। मतलब ये कि आप जो पाना चाहते हो, आप उसको खुद को ही पुश करना पड़ेगा। आप कैसे पा सकते हो, कोई और आपको हेल्प नहीं करेगा इस रास्ते पे। आपके लिए बहुत स्ट्रांग मैसेज है ये। देखो, इंतज़ार कर रहे हो आप, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ का आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। लेकिन एक होती है ना कि आप एक रेवल इंसान भी मुझे बनते हुए दिख रहे हो। आप अभी इस वक्त करेंट सिचुएशन में अगर आपको कुछ पाना है, उसके लिए आपको लड़ाई करना पड़ेगा या फिर उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। आप शांति से कुछ नहीं पा सकते हो। आपकी लाइफ में मुझे कुछ चीज़ें शांति से इस वक्त होता हुआ नहीं दिख रहा है, और हमेशा सब कुछ चुपचाप भी नहीं होता है। तो अगर आपको कहीं कुछ पाना है, आपको वहाँ वैसे ही थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। और आप जो है आप करो, आपकी किस्मत में है, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि वैसे तो आप अपनी तरफ से कहीं पे लड़ाई झगड़ा या फिर आर्गुमेंट या फिर कुछ भी आप शुरू नहीं करते हो। आप वैसे इंसान नहीं हो जो अपने साइड से जो है सब कुछ शुरू कर दूँ और प्रॉब्लम करूँ और आप देखो कि लोग आपको क्या बोल रहे हैं। आप चुपचाप रहते हो, लेकिन अगर कहीं पे बहुत इशू आता है तब जाके आप बोलते हो। तो मुझे इसी चीज़ का जो है, लोग आपका वीकनेस समझ लेते हैं, लोग समझ जाते हैं कि आप बहुत वीक हो, आपको बहुत हल्के में लेते हैं। तो लेकिन आप उतने लड़ाकू या फिर आप उतने परपंच करने वाले इंसान नहीं हो। लेकिन बिना परपंच किए भी आपको कहीं ना कहीं तो अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पे खुद को आप प्रूव करोगे। इस वक्त ऐसा दिख रहा है कि आपको जिद है कहीं पे खुद को प्रूव करने का, या फिर आपको ज़रूरत है कहीं पे प्रूव करने का। अगर आप नहीं करोगे कुछ, सच्चाई बोलने का या फिर कुछ अपने लिए करने का, अगर नहीं करोगे तो जैसे ही आपको गलत समझा जा रहा था, आप वैसे ही एक गलत समझा जाएगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि नंबर 4 का कार्ड है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा। मुझे आप कहीं पे बहुत थके हुए दिख रहे हो, ठीक है, लाइक एक हताश, एक निराशा की एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है। अगर आप कोई भी चीज़ के वजह से जो है आप इंतज़ार कर रहे हो, तो आप इंतज़ार कर करके थक चुके हो, आप गिव अप कर रहे हो, आप बिल्कुल गिव अप के सिचुएशन में हो। ठीक है, जैसे आपको लगता आप दिल से बूढ़े हो गए हो,
आपका उम्र नहीं हुआ है, लेकिन आप दिल से एजड हो गए हो, दिल से आप ऐसे हो गए हो कि अभी मुझसे नहीं होगा, ठीक है, कैसे भी करके सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चला जाऊं, या फिर आई नीड सम रेस्ट। यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ जल रहा है। देखो यहाँ पे कैसे एक वहाँ पे सब कुछ जल रहा है और एक जो इंसान है वो होपलेसली बैठा हुआ है। तो आप अपने लाइफ में कुछ कुछ सिचुएशन में बहुत होपलेस हो चुके हो, बैठे हुए हो, अंदर से बूढ़े हो चुके हो, गिव अप कर चुके हो, बट सामने हथियार है। तो इसका मतलब ये है कि आपके सामने अपॉर्चुनिटीज तो है, आपके सामने मौके तो है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप अपनी माइंडसेट के साथ बैठे हुए हो कि नहीं होगा, बट चीज़ें ये है कि आपके सामने चीज़ें हैं, आप कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करोगे, बस वही फ़र्क है, वही तो फ़र्क होता है जिन लोगों का काम बनता है और जिन लोगों का नहीं बनता है। इतना ही फ़र्क होता है कि जिन लोगों का काम बनता है वो कहीं से भी अपना काम कर लेते हैं, जिनका नहीं बनता है वो सिर्फ यही सोचते हैं कि अपॉर्चुनिटी चला गया, अब कुछ नहीं बचा। तो आप उन कैटेगरी में मत आओ, आप ये सोचो कि जो भी जितना बचा कुचा है उसके साथ मैं जितना बचा सकता हूँ मैं करूँगा या फिर करूँगी। तो ये बिल्कुल एक अर्जेंट मैसेज की तरह आप लो कि आपके सामने हथियार है या फिर आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रूव करना है। ये हताशा निराशा की ज़िंदगी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। आपको गिव अप नहीं करना है, गिव अप सिचुएशन में नहीं जाना है, और थोड़ा आंखें खोल के देखो कि आसपास दुनिया में क्या हो रहा है। आप अपने ही दुनिया में मस्त हो, ये इंसान अपने दुनिया में मस्त है, ठीक है। तो इसीलिए बाहर की चीज़ें उसको इतना बड़ा लग रहा है। अगर वो देखेगा जो भी यहाँ पे ख़राब हो रहा है वो उस तक आके नहीं पहुँच रहा है। मतलब ये कि जो भी चीज़ें बहुत ख़राब हो रही है बाहर, या फिर आपको लग रहा है सिचुएशन बहुत ख़राब है तो मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, एक्चुअली सिचुएशन चाहे कितना भी खराब हो वो आपको उतना हार्म नहीं करेगा, ठीक है। आप तक बस उसका एक इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन पूरी की तरह पूरी की पूरी प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं आएगी, ये प्रॉब्लम की जो भी आपके लाइफ में चल रहा है। तो आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप मतलब करने से पहले ही कुछ चीज़ों में गिव अप कर चुके हो, वो आपको नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रही है द 10 ऑफ कप्स। यहाँ पे तो ऐसे दिख रहा है कि एक अर्जेंट मैसेज ये भी है कि लवर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा, शादी हो सकती है, फैमिली मेम्बर फैमिली के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के साथ वैसे भी अगर थोड़ा सा भी रिलेशन अच्छा होता है तो मूड बिल्कुल अच्छा हो जाता है। स्पेशली पार्टनर, बहुत बिछड़ गए थे कोई पार्टनर से, बहुत दूर हो गए थे, या फिर शादीशुदा लाइफ इशू चल रहा था, या फिर नॉर्मल शादीशुदा लाइफ के बारे में जानना था। तो लाइफ काफ़ी मुझे आपका अच्छा चलता हुआ दिख रहा है, पर्सनल लाइफ, ठीक है। पर्सनल लाइफ पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करो तो ही आपके लिए अच्छा है। नेक्स्ट कुछ लोगों का यहाँ पे लव लाइफ के बारे में जानने का बड़ा मन है, तो मैं उन लोगों के लिए कुछ कार्ड निकालती हूँ जो लोग लव लाइफ के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो। व्हाट अबाउट योर लव लाइफ? द फूल, कोई तो आपको यहाँ पे फूल बना रहा है। एक्चुअली सच बात यह है, देखो बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, लवर का ही कार्ड आया है, लव लाइफ के लिए लवर का ही कार्ड आया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, तो फूल एनर्जी है, कोई तो आपको फूल बना रहा है। अगर कोई आपको झूठ बोल रहा है या फिर कोई आपको रिलेशनशिप में दिन में तारे दिखा रहा है ना, तो समझ जाओ कि आपको वहां पे नहीं रहना है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है आपकी पर्सनल लाइफ पे, लव लाइफ पे कुछ न्यू स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ब्यूटीफुल जेमिनी एनर्जी है, यहाँ पे ब्यूटीफुल लवर का कार्ड है। तो जो लोग भी अपने ट्विन फ्लेम सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, मैं उन लोगों को बताना चाहूंगी कि आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका जो सोलमेट है या फिर आप जो ट्विन फ्लेम के साथ डील करो वो बिल्कुल डील डन है उनके साथ। मतलब ये कि वो इंसान जो है वो आपको छोड़ के नहीं जाने वाला है, बस ये आपका सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम होना चाहिए, किसी भी कीमत पे कार्मिक नहीं होना चाहिए। अगले 6 महीने के अंदर या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने के अंदर आपका इनके साथ चीज़ें बनना शुरू होगा। 0 नंबर से ही कार्ड आया था, तो मुझे लगता है कि बहुत हल्के माइंड के साथ अगर रिलेशनशिप में मूव करोगे तो अच्छा रहेगा। मतलब ये कि हर एक चीज़ को सीरियसली ना लेकर अगर हल्के फुल्के माइंड के साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ोगे तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा
अच्छा चलेगा। छोटी छोटी बातें पकड़ोगे एक दूसरे के तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट चलेगा। आपकी लव लाइफ में इशू बन सकती है कोई थर्ड पार्टी लेडी या फिर कोई फीमेल, ठीक है? तो कोई तो है जो कुछ तो जानती है, कुछ तो स्पेल हो, मैजिक हो या फिर माइंड गेम हो, कोई अथॉरिटी में हो, कुछ तो वो करती है अपना दिमाग लगा के, ठीक है? या फिर कोई है जो है बड़ा दिमाग लगाती है आपका रिश्ते को खराब करने के लिए, आपके रिलेशंस को खराब करने के लिए। तो वो जैसे लोगों से आप बचे, और वही लोगों से ही आपको खतरा है। कोई प्लान कर रहा है, कोई लेडी है जो आपकी शादी नहीं होने दे रही है, या फिर कोई है, मतलब यहाँ पे कोई लेडी माइंड ही मुझे दिख रही है जो आपकी नहीं चाहती है कि आपका लव लाइफ अच्छा चले, ठीक है? ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो चीज मुझे दिख रही है, द नाइन ऑफ द वर्गो एनर्जी, नॉट द नाइन ऑफ, यहाँ पे मुझे नेक्स्ट दिख रही है द वर्गो एनर्जी या फिर द हर्मिट एनर्जी। अगर आपकी लाइफ के ऊपर मैं फिर से लौटूँ तो एक अर्जेंट मैसेज आपके लिए ये भी है कि आप ना बहुत, आपके अंदर हिम्मत है एक्चुअली, ठीक है? आप पता नहीं पिछले कुछ कार्ड्स में कैसे गिव अप दिख गया, बट आप गिव अप करने वाले इंसान तो हो नहीं, आप कोशिश करने वाले इंसान हो। यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है, अगर मन स्ट्रांग हो ना, दिमाग स्ट्रांग हो, मैं कर लूँगा या फिर मैं कर लूँगी ये वाला थॉट है, तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो आपका माइंडसेट शिफ्ट भी होगा। अभी आप जो भी सिचुएशन फेस कर रहे हो, सिचुएशन चाहे सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, लेकिन आपका माइंड ज़रूर चेंज हो जाएगा आने वाले 9 डेज में, ठीक है? आप सोचोगे कि नहीं, छोड़ना नहीं है, जो लगे हुए हैं वो करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है, फ्यूचर क्या है देखेंगे तो, ठीक है? इस फुल मून के दिन आपकी कोई विश है जो पूरी होने को आ सकती है, ठीक है? एंड एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, आपके पास कोई लॉयल पर्सन है, ठीक है? कोई लॉयल इंसान है जो चाहता है कि आपका अच्छा हो। आप शायद नहीं जानते हो वो कौन है, लेकिन एक से दो लॉयल इंसान है जो वो आपको रास्ता दिखाएंगे। अगर आपको कोई एडवाइस वगैरह देता है तो बिल्कुल, आपको अगर जेन्युइन लगता है तो सुनने की कोशिश करो, क्योंकि कुछ तो है, अच्छे इंसान आपके जीवन में है। आपको अंधेरा अगर दिख रहा है आपके जीवन में कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, आगे अंधेरा ही अंधेरा है, आपके हाथ में ही है सब कुछ, ठीक है? आपका पर्सपेक्टिव ही है सब कुछ। आपको लगता है अंधेरा है तो अंधेरा है, आपको लगता है उजाला बनेगा तो उजाला बनेगा। अपने नज़रिया आपको बदलने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे तो दिख रहा है कि आपको बहुत सारी चीज़ें, यूनिवर्स हो, भगवान हो, कोई इंसान हो, सब नहीं, कोई इंसान हो, साइन एंजल्स की तरफ से मिल रहा हो, आपको सब हेल्प करने के लिए रेडी है, और आप उन सारी हेल्प लेके अपने लाइफ में कुछ पाने की भी कोशिश करोगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप उन सारे हेल्प को देख नहीं पा रहे हो, आप मेच्योर हो, आप अंडरस्टैंडिंग हो, आपको चीज़ें समझ आती है, ठीक है? तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आती है, तो आप सारे उन हेल्प को लेके आप कुछ ना कुछ ज़रूर पाने की कोशिश करोगे, कुछ ना कुछ करने की ज़रूर कोशिश करोगे। एक चीज़ भी है कि आप देखते सब कुछ हो, ठीक है? आप कुछ भी इग्नोर नहीं करते हो, आपके इर्द गिर्द जो होता है ना, आप उसको कभी इग्नोर नहीं करते हो, कौन किसके साथ क्या बात कर रहा है, आप रिएक्ट नहीं करते हो, बट आप इग्नोर भी नहीं करते हो। आप बहुत सीखते हो अपनी चारों ओर लोगों से, बहुत सीखते हो आप अपनी एक्सपीरियंस से, बहुत सीखते हो, तो आपको रिस्पॉन्ड करना, आपको कोई भी काम करना, आपको सब कुछ आता है, ठीक है? तो जितनी भी आपकी नॉलेज है ना, उसको लगा दो, जो आप चाहते हो लाइफ में वो आपको मिल जाएगा, जितनी भी नॉलेज। आई थिंक यहाँ पे कोई एक ही चांस है आपको प्रूव करने के लिए, ठीक है? मतलब कुछ तो लाइफ में आप कर रहे हो, जहाँ पे यही एक चांस है आप प्रूव करो, या फिर इसी बार ही आपको करके दिखाना है, ठीक है? तो आप यही सोच रहे हो। व्हाट इज मोर, एंजल डिवाइन हमें गाइड कीजिए। अभी तक अगर आप रीडिंग देख रहे हो, काइंडली इस रीडिंग को लाइक आप ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिख रही है द एट, द चैरियट एनर्जी, ठीक है? जिस दिन जो मैसेज आएगा ना, मैं आपको बोलूँगी। जैसे आज अगर पैसों के लिए स्पेसिफिक कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तो मैं नहीं बोल रही हूँ, ज़बरदस्ती का मैसेज नहीं दूंगी, जिस दिन जो मैसेज आएगा मैं वही दूंगी, ठीक है? और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए चैरियट दिख रहा है,
ठीक है, यहाँ पे देखो, इंसान जा रहा है, पाथ बिल्कुल ब्यूटीफुल क्लियर पाथ है, साथ में है कुछ प्यार, हाथ में है कुछ विक्ट्री, इंग यांग का साइन है, भगवान का आशीर्वाद है, और ये रहा सामने वाला इंसान। ठीक है, मैं आपको ये बहुत क्लैरिटी और क्लियर क्लैरिटी के साथ में बताऊंगी कि यूनिवर्स आपको बोल रहा है आगे बढ़ो, जीत तुम्हारी ही तय है। तुमको जो सक्सेस मिलेगा वो तुम्हारे इर्द गिर्द किसी को नहीं मिला है, और जो लोग भी जो सोच रहे हैं ना कि ये तुम्हें नहीं मिलेगा, चुपचाप तुम हो अपने लाइफ में, उन लोगों को आप गलत प्रूव करने वाले हो। जिस पाथ पे जा रहे हो, जिस रास्ते पे जा रहे हो, वो सही रास्ता है। भगवान आपको हेल्प कर रहे हैं और करेंगे भी, भगवान ने ही आपको ये दिशा दिखाई है। और आपको पर्सनल लाइफ, काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी, मतलब एक होता है ना कि मेंटल पीस के लिए आपका निजी जीवन बहुत अच्छा चलना चाहिए, तो काम के साथ साथ आपका निजी जीवन जो है वो भी बहुत अच्छा चलेगा, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, आप अगर स्पेशली महादेव के भक्त हो तो आपको और भी ज़्यादा ब्लेसिंग उनकी मिलने वाली है। आपकी पूजा से भगवान प्रसन्न हुए हैं, आपकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए हैं, तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे और खुशखबरी मिलेगा। आपका मुझे विक्ट्री होता हुआ दिख रहा है, जीत कहीं पे होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ये जो जीत है ना, ये आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। ठीक है, पर्सनल लाइफ में विक्ट्री आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी और ने पुश किया, आपने कर दिया, हो गया, नहीं। आप बहुत सारी सिचुएशन के लड़ झगड़ के उभर के आप आए हो, और उस चीज़ का जीत आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो लोग आपको बोलते थे ना कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर यू आर लाइक वर्थलेस, इतने इम्पोर्टेंस आपकी बातों को नहीं दे रहे थे, वो लोग बिल्कुल हक्के बक्के हो जाएंगे। ठीक है, जो लोग कभी नहीं चाहते थे आप जीते, इसीलिए आपको पर्सनल लाइफ ख़राब कर रहे थे, आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वो लोगों का बिल्कुल मुंह इतना सा होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तब तक आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। आज ही मैं इस डेक को लाई हूँ, तो सोचा कि रीडिंग करती हूँ इस डेक से। एंजल डिवाइन ब्लेसिंग कीजिए, गाइड कीजिए। पुअर पुअर दारिद्र, ठीक है, पुअर दारिद्र मुझे सुनाई दिया, दिखाई दिया, तो हो सकता है कि यहाँ पे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा है, पैसों का लॉस कोई हो सकता है आप में से फेस कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव वर्ड भी सुनाई दिया, काफ़ी कुछ नेगेटिव बातें आप सुन रहे हो, या फिर काफ़ी कुछ नेगेटिव आपके अराउंड चल रहा है, उसको भी संभालने की कोशिश कर रहे हो। मैरिज आपकी फिक्स नहीं हो पा रही है, शादी सुनाई दिया, शादी को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। पत्थर, पत्थर का वर्ड सुनाई दिया, माउंटेन पत्थर, उससे कुछ रिलेट कर सकते हो आप, या फिर कोई स्टोन आप पहन रहे हो, कोई स्टोन का आप रिंग बना के पहन रहे हो ग्रह दोष के लिए, ये भी दिख रहा है। ठीक है, लीव द पास्ट बिहाइंड, तो आपके लिए मैसेज है कि जो भी आपकी लाइफ में, स्पेशली कैप्रिकॉन एनर्जी के साथ, मतलब कैप्रिकॉन राशि के लिए सिर्फ नहीं, सारी राशि के लिए, लेकिन एनर्जी कैप्रिकॉन की है, कि जो भी पास्ट में हो गया है उसको छोड़ने का वक्त है। आप कुछ पास्ट के लोगों को अपने लाइफ में बार बार लाने की कोशिश कर रहे हो जो कि वर्द नहीं है, ठीक है, वर्दी नहीं है, या फिर आपके लाइफ में उनका रहना तय नहीं है, लेकिन आप बार बार कोशिश करो उनको लाने का, आओ भैया आओ जीवन में आओ, तो ये चीज़ बिल्कुल वर्डलेस है। ठीक है, आप उन लोगों को मत लाओ, क्योंकि वो लोग आपके लाइफ में आने की एक होती है ना कि वो लोग लायक नहीं है, लेकिन आप लाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी को ज़्यादा लाने की कोशिश कर रहे हो। पास्ट की चीज़ें, पास्ट के लोग, पास्ट की प्रॉब्लम, जो बीत गया वो बीत गया, इस माइंड सेट के साथ चलो। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि पिछली बातों को पकड़ के बैठोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, जो बीत गया सो बीत गया, कभी कभी छोड़ना पड़ता है। ठीक है, आप भूलो मत किसने क्या किया आपके साथ, बट यू हैव टू फॉरगेट, आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, साइन न्यू मून इन लियो,
जैसे ही पिछली बातों को छोड़ोगे, पुरानी बातों को छोड़ोगे, आप साइन करने लगोगे। एक होती है ना कि आप देखोगे कि रोने के बाद आपकी फेस पे ग्लो आने लगता है, ठीक है, आपने वो बात सुनी होगी, या फिर वर्कआउट के बाद आप और ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। तो ऐसे ही जैसे ही पिछले नेगेटिविटी को छोड़ोगे, वैसे ही आप ग्लो करने लगोगे, ग्रो करने लगोगे। तो आपको वो करना ही पड़ेगा, ठीक है, आपके लाइफ में वो चीज़ है। आप साइन तभी कर पाओगे जब आप पिछले कुछ चीज़ों को छोड़ दोगे, चलो जाओ, जाने दो, तो मेरे लायक नहीं हो, ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, मुझे सिर्फ नेगेटिविटी ही दे रहा है, ठीक है। ये सिचुएशन आपको करना पड़ेगा, ये काम आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टॉक लेस फील मोर, कम बातें करो ज़्यादा फील करो। मतलब हो सकता है अगर समय मिल रहा है तो मेडिटेट करो, ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन से आपकी चक्रा बैलेंस होने वाले हैं, आप बैलेंस हो जाओगे। स्टोन ब्रेसलेट अगर है पास में पहनो या फिर पास में रखो, स्पेशली आपके पास अगर एक रोज क्वार्ड है या फिर आपके पास एक अमेथिस्ट है। अमेथिस्ट क्या करता है, आपकी थ्रोट चक्रा को ओपन करता है, लेकिन वो आपकी थ्रोट चक्रा को बैलेंस भी करता है, बात तो करवाता है लेकिन बहुत नहीं, ठीक है, तो वही करता है। कम बात कीजिए, काम ज़्यादा कीजिए, प्रूव कीजिए खुद को, दिस इज़ टाइम टू प्रूव। आपको जो जो भी चीज़ें बोली जा रही है, खुद को प्रूव करो। यहाँ पे है फकीर, आपको कुछ चीज़ों को, कुछ लोगों को माफ़ करनी है। आप सोचो दिमाग में कि आप किसको किस वजह से माफ़ नहीं कर पाए हो। अगर आपको लगता है कि इस इंसान को माफ़ करने से चल जाएगा, तो आप उसको माफ़ कर दो, क्योंकि उसको हेट करना या फिर उसके ऊपर गुस्सा रखना, ठीक है, आपके साथ गलत हुआ है, आप जायज़ हो, गुस्सा रखना, हेट करना जायज़ हो आप, पर एक चीज़ होती है ना कि कभी कभी माफ़ी दे देते हैं हम, लेकिन भगवान नहीं देते हैं। तो आप माफ़ी दे दो, बाकी उनको क्या मिलेगा, भगवान के ऊपर छोड़ दो। दोनों ही लास्ट क्वार्टर मून आए हैं कार्ड्स, कैप्रिकॉन, लियो, पाइसिस, ये सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है कनेक्ट विथ नेचर। अगर आप कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो हो, नेचर के साथ आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो, तो थोड़ा चलना शुरू करो, घास पे चलना शुरू करो, वो अच्छा रहेगा आपके लिए। एडमिट योर ट्रू फीलिंग्स टू योर सेल्फ, खुद के लिए साथ लॉयल रहो, ठीक है, ऑनेस्ट रहो खुद के साथ कि आपको क्या चाहिए, दूसरे आपसे क्या चाहते हैं, दूसरे आपसे क्या करवाने की कोशिश करते हैं, वो बिल्कुल उस पाथ में मत चलो। आपको सिर्फ अगर चलना है तो अपनी पाथ पे चलो, ठीक है, आपको किसी दूसरे के रास्ते पे नहीं चलना है, अपने पाथ पे चलना है, वही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि दूसरों की बात पे चलोगे ना तो घाई पे गिर जाओगे। खुद के साथ लॉयल रहो, खुद के दिमाग के साथ काम करो, हो सकता है लोग सोचे कि अकड़ू हो, लेकिन वही आपके लिए सही रास्ता है। किसी और के दिमाग आइडियाज लो, दिमाग अपना चलाओ, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई, और मिलते हैं अगली रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें, जय भोलेनाथ।